नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी दोस्तों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लाइव उमंग में। जैसा कि आप सभी को पता है, लास्ट डे हमारी जो राजस्थान जीके की क्लास नहीं हुई थी, जो राजस्थान हाई कोर्ट के लिए हम जो हमारी क्लासेस चल रही है, जो 21वीं क्लास थी हमारी, वो लास्ट डे नहीं हो पाई थी। तो इसलिए कि आज आपकी जो एक क्लास है वो लगाई गई है मॉर्निंग में, तो कल शाम को क्या है कुछ कारणवश आपकी ये क्लास नहीं हो पाई थी। और जो हमारी ये 21वीं क्लास है, इससे पहले क्या हमारी 20 क्लासें हो चुकी है, तो आप सभी का एफर्ट तो अच्छा आ रहा था। और लास्ट डे के कारण क्या है क्लास नहीं हो पाने के, हम सभी से क्या है एक बार सॉरी बोलना चाहूँगा, माफ़ी चाहूँगा कि आपको मैंने इस चीज़ की सूचना नहीं दी कि आपकी क्लास वो नहीं हुई। तो आज इसलिए आपकी मॉर्निंग में क्लास रखी गई है, इसके बाद आपकी हिंदी क्लास होगी, वो आपका सेम टाइम होगा 10 से 11 के बीच आपकी हिंदी क्लास होगी, और वो आपकी 12वीं क्लास होगी। ये हमारी 21वीं आज राजस्थान जीके की है, जिसमें राजस्थान के कल्चर यानी राजस्थान के कल्चर, कला, संस्कृति, भाषा और बोलियों से संबंधित जो क्वेश्चन है वो करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की इस क्लास को। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, और बिना किसी हिचकिचाहट के साथ किया शुरू करते हैं हमारी आज की इस मॉक टेस्ट को। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आपको बताना है अड़ोत्ती के पॉलिटिकल एजेंट विल किन्सन के प्रयासों से किस प्रताप पर रोक लगाई गई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको बताना है अड़ोत्ती के पॉलिटिकल एजेंट विल किन्सन के प्रयासों से किस प्रथा पर रोक लगाई गई। ऑप्शन नंबर ए त्याग प्रथा, ऑप्शन नंबर बी कन्यावध, ऑप्शन नंबर सी डाकन प्रथा, ऑप्शन नंबर डी समाधि। तो इन चारों में से जो सही है वो आपको बताना है कि किस प्रथा पर रोक लगाई गई थी अड़ोत्ती के पॉलिटिकल एजेंट विल किन्सन के प्रयासों से। तो इसमें आपका सही जवाब क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, कन्यावध। ऑप्शन नंबर बी कन्यावध पर क्या है आपके ये रोक लगाई गई थी। अपने कॉपी में अपने साथ लेके बैठे, आप देखें कितने नंबर आपके सही है कितने आपके गलत है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको बताना है कि किसके शासनकाल में मेवाड़ में सर्वप्रथम डाकन प्रथा पर रोक लगाई गई थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको बताना है किसके शासनकाल में मेवाड़ में सर्वप्रथम डाकन प्रथा पर रोक लगाई गई थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर ए महाराणा अमर सिंह, ऑप्शन नंबर बी महाराणा भीम सिंह, ऑप्शन नंबर सी महाराणा भोपाल सिंह, ऑप्शन नंबर डी महाराणा स्वरूप सिंह। तो इसमें आपका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी महाराणा स्वरूप सिंह आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, कि महाराणा स्वरूप सिंह के शासनकाल में क्या है मेवाड़ में सर्वप्रथम डाकन प्रथा पर क्या है रोक लगाई गई थी। डाकन प्रथा में क्या होता था कि स्त्रियों को डाकन मानकर उन्हें मार दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, किस अंग्रेज अधिकारी के प्रयासों से सन 1853 को मेवाड़ के डाकन प्रथा पर रोक लगाई गई। ये अभी पूछा था लेकिन इसका ये सेम नहीं है, ध्यान रखना। क्वेश्चन क्या है आपको बताना है कि किस अंग्रेज अधिकारी के प्रयासों से सन 1853 ईस्वी को मेवाड़ के डाकन प्रथा पर रोक लगाई गई थी। ऑप्शन नंबर ए विल्किंसन, ऑप्शन नंबर बी टॉम्स मूर, ऑप्शन नंबर सी जेसी ब्रुक, ऑप्शन नंबर डी लुडलो। तो इन चारों में से जो सही है वो आपको बताना है। तो इसमें आपका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका जो बी होगा आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। टॉम्स मूर के क्या है, ये एक अंग्रेज अधिकारी था टॉम्स मूर, इसके प्रयासों से क्या है सन 1853 ईस्वी को मेवाड़ की जो डाकन प्रथा थी उस पर रोक लगाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की आपको बताना है, उदय शाही, अमर शाही, आरसी शाही और भीमा शाही और स्वरूप शाही इत्यादि क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको बताना है उदय शाही, अमर शाही, आरसी शाही और भीम शाही और स्वरूप शाही, ये चीज़ें क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए शराब के प्रकार, ऑप्शन नंबर बी पगड़ियों के प्रकार, ऑप्शन नंबर सी पोशाकों के प्रकार, ऑप्शन नंबर डी आभूषणों के प्रकार। तो इन चारों में से जो सही है वो आपको बताना है कि क्या है ये। तो इसमें आपका सही जवाब क्या होगा, सॉरी जो इससे पहले वाला क्वेश्चन एक बार फिर देखते हैं, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था आपको बताना है कि किस अंग्रेज अधिकारी के प्रयासों से सन 1853 ईस्वी को मेवाड़ के डाकन प्रथा पर रोक लगाई गई थी, आपको ये बताना था। इसमें आपका जो सही जवाब क्या होगा, इसमें आपका जो सही जवाब होगा वो जेसी ब्रुक है, सॉरी इसमें टॉम्स मूर नहीं था, इसमें जेसी ब्रुक होगा, क्या होगा, जेसी
ब्रुक, जेसी ब्रुक के द्वारा क्या है ये अंग्रेजी कार्य था एक, और इसकी प्रिया सन 1853 ईस्वी को मेवाड़ की डाकन प्रथा थी उस पर रोक लगाई थी, जेसी ब्रुक आएगा इसमें। और अगला क्वेश्चन क्या है, उदयशाही, अमरशाही, अर्शीशाही और भीमशाही और स्वरूप शाही इत्यादि क्या है, ये एक पगड़ियों के प्रकार है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, क्या है पगड़ियों के प्रकार, ऑप्शन नंबर बी होगा उदयशाही, अमरशाही, अर्शीशाही, भीमशाही और स्वरूपशाही, ये क्या है पगड़ियों के प्रकार है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, आपको बताना है किस जनजाति में पुरुष एवं स्त्रियां समान रूप से शराब पीती है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किस जनजाति में पुरुष एवं स्त्रियां वो समान रूप से शराब पीती हैं, ऑप्शन नंबर ए मीणा, ऑप्शन नंबर बी डामोर, ऑप्शन नंबर सी भील, ऑप्शन नंबर डी कथोड़ी, तो इन चारों में से जो सही है वो आपको बताना है, तो इसमें आपका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी कथोड़ी, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है, यानी जो कथोड़ी जनजाति है उसमें पुरुष एवं स्त्रियां क्या है समान रूप से शराब पीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, मराठी अंदाज में पहनी जाने वाली साड़ी फड़का का संबंध किस जनजाति से है, क्वेश्चन क्या है, मराठी अंदाज में पहनी जाने वाली साड़ी फड़का का संबंध किस जनजाति से है, ऑप्शन नंबर ए कथोड़ी, ऑप्शन नंबर बी मीणा, ऑप्शन नंबर सी भील, ऑप्शन नंबर डी डामोर, तो इसमें सही जवाब क्या होगा आपका वो आपको बताना है, जल्दी जल्दी नोट डाउन कर लो, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही जवाब है, क्या कथोड़ी, यानी ये भी क्या है कथोड़ी जनजाति से संबंधित है, जो मराठी अंदाज में पहनी जाती है साड़ी वो कौन सी है फड़का, इसका संबंध है वो कथोड़ी जनजाति से है, जिन भी स्टूडेंट ने ऑप्शन नंबर ए चुना है बिल्कुल सही जवाब आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो आपको बताना है कि माणिक्य लाल वर्मा आदिम जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कब व कहाँ की गई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको बताना है माणिक्य लाल वर्मा आदिम जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना वो कब व कहाँ की गई थी, ऑप्शन नंबर ए सन 1965 में उदयपुर में, ऑप्शन नंबर बी सन 1964 उदयपुर में, ऑप्शन नंबर सी 1964 डूंगरपुर में, ऑप्शन नंबर डी 1966 डूंगरपुर में, तो इन चारों में से बताना है कि माणिक्य लाल वर्मा आदिम जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कब व कहाँ की गई, तो इसमें सही जवाब क्या है ऑप्शन नंबर बी सन 1964 उदयपुर में क्या है माणिक्य लाल वर्मा आदिम जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना वो की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि वनवासी को गले लगाओ अभियान किसने चलाया था, वनवासी को गले लगाओ अभियान वो किसने चलाया था, ऑप्शन नंबर ए राजस्व संघ ने, ऑप्शन नंबर बी माणिक्य लाल वर्मा आदिम जनजाति स्वर संस्थान ने, ऑप्शन नंबर सी वनवासी कल्याण परिषद ने, ऑप्शन नंबर डी SC ST वित्त एवं विकास सहकारी निगम ने, तो इन चारों में से जो सही कौन सा है वो आपको बताना है, जल्दी से नोट डाउन कर लो इसको, इसमें ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, वनवासी कल्याण परिषद ने, ऑप्शन नंबर सी वनवासी को गले लगाओ अभियान है ये, वनवासी कल्याण परिषद ने क्या है शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो आपको बताना है त्रिपुरा सुंदरी मंदिर है वो कहाँ पे है, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ स्थित है, ऑप्शन नंबर ए डूंगरपुर, ऑप्शन नंबर बी बांसवाड़ा, ऑप्शन नंबर सी उदयपुर, ऑप्शन नंबर डी प्रतापगढ़, तो इन चारों में से जो सही है वो कौन सा है, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर बताना है आपको कहां पे है, तो इसमें आपका सही जवाब क्या होगा ऑप्शन नंबर बी कहां पे है बांसवाड़ा में, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर आपसे पूछा था बांसवाड़ा में है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, आपको बताना है रणकपुर मंदिर किस तीर्थंकर को समर्पित है, किसको है ये बताना आपको, रणकपुर मंदिर किस तीर्थंकर को समर्पित है, ऑप्शन नंबर ए महावीर, ऑप्शन नंबर बी पार्श्वनाथ, ऑप्शन नंबर सी आदिनाथ, ऑप्शन नंबर डी नेमीनाथ, तो इन चारों में से जो सही है वो आपको बताना है, तो इसमें आपका सही जवाब क्या होगा ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें बिल्कुल सही जवाब है, आदिनाथ जी को समर्पित है ये रणकपुर मंदिर है ये, किसको समर्पित है आदिनाथ जी को। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, आपको बताना है कि रणकपुर जैन मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है, रणकपुर जैन मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है ये आपको बताना है, ऑप्शन नंबर ए सुकड़ी,
ऑप्शन नंबर बी मगाई, ऑप्शन नंबर सी ओरल, ऑप्शन नंबर डी जवाई। तो इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सी नदी के किनारे है। तो इसमें आपका सही जवाब क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर जो बी है मगाई नदी के किनारे है। कौन सी नदी के, मगाई नदी के किनारे है रणकपुर जैन मंदिर, आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, आपको बताना है प्रसिद्ध किराड़ो मंदिर किस शैली का है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रसिद्ध किराड़ो मंदिर आपको बताना है किस शैली का है। तो ऑप्शन नंबर ए सोलंकी शैली, ऑप्शन नंबर बी भूमिका शैली, ऑप्शन नंबर सी कच्छपाट शैली का, ऑप्शन नंबर डी गुर्जर प्रतिहार शैली का। तो आपको बताना है कि प्रसिद्ध किराड़ो मंदिर है वो किस शैली का है। तो इसमें आपका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, गुर्जर प्रतिहार शैली का है, ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल सही जवाब है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन है नागौर किस सूफी संत की दरगाह के लिए प्रसिद्ध है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है नागौर किस सूफी संत की दरगाह के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए हमीदुद्दीन, ऑप्शन नंबर बी ख्वाजा मुइनुद्दीन, ऑप्शन नंबर सी शक्कर पीर बाबा, ऑप्शन नंबर डी मीठे शाह। तो इन चारों में से जो सही है वो आपको बताना है। तो इसमें आपका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हमीदुद्दीन, यानी हम एक सूफी संत है हमीदुद्दीन, उनकी दरगाह है नागौर में, इसलिए क्या नागौर वहाँ पे प्रसिद्ध है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, आपको बताना है कि रणकपुर जैन मंदिर में कितने खंबे हैं। रणकपुर जैन मंदिर में कितने खंबे हैं, ऑप्शन नंबर ए 953, ऑप्शन नंबर बी 1444, ऑप्शन नंबर सी 84, ऑप्शन नंबर डी 80। तो इन चारों में से सही कौन सा है वो आपको बताना है। रणकपुर के जैन मंदिर में कितने खंबे हैं, तो इसमें आपका सही जवाब होगा 1444, ऑप्शन नंबर बी जिन स्टूडेंट ने किया है बिल्कुल सही जवाब है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको बताना है कोटा संभाग की प्रमुख बोली है वो कौन सी है। कोटा संभाग की प्रमुख बोली आपको बताना है कौन सी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ऑप्शन नंबर ए क्या है हाड़ोती, ऑप्शन नंबर बी रांगड़ी, ऑप्शन नंबर सी काठेड़ी, ऑप्शन नंबर डी मालवी। तो इन चारों में से जो सही है वो आपको बताना है। तो इसमें आपका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जो हाड़ोती बोली है वो क्या है, कोटा संभाग की प्रमुख बोली है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, आपको बताना है कि राज्य की वह बोली जिसमें सिंधी भाषा के शब्दों का मिश्रण देखने को मिलता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है, राज्य की वह बोली जिसमें सिंधी भाषा के शब्दों का मिश्रण देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर ए तोरावाटी, ऑप्शन नंबर बी मारवाड़ी, ऑप्शन नंबर सी थल्ली, ऑप्शन नंबर डी ढूंढाड़ी। तो इन चारों में से आपको बताना है कि राज्य की वह बोली कौन सी है जिसमें सिंधी भाषा के शब्दों का मिश्रण है वो देखने को मिलता है। तो इसमें आपका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी थल्ली भाषा है वो। कौन सी है, थल्ली भाषा में क्या है आपको, सिंधी भाषा के शब्दों का मिश्रण देखने को मिलता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृति नामक पुस्तक के रचयिता कौन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृति नामक पुस्तक के रचयिता कौन है। ऑप्शन नंबर ए विजयदान देथा, ऑप्शन नंबर बी श्याम महर्षि, ऑप्शन नंबर सी हरदान हर्ष, ऑप्शन नंबर डी मनोहर प्रभाकर। तो इन चारों में आपको बताना है कि राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृति नामक पुस्तक के रचयिता वो कौन है। तो इसमें आपका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हरदान हर्ष। हरदान हर्ष ने क्या है, राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृति नामक पुस्तक है वो लिखी है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान राज्य अभिलेखागार स्थित है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है आपको ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए जोधपुर में, ऑप्शन नंबर बी बीकानेर में, ऑप्शन नंबर सी उदयपुर में, ऑप्शन नंबर डी जयपुर में। तो इन चारों में से बताना है राजस्थान राज्य अभिलेखागार है वो कहाँ स्थित है। तो इसमें आपका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी बीकानेर में। कहाँ पे, बीकानेर में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्या है, राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ स्थित है। राजस्थान साहित्य अकादमी आपसे पूछा है कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए उदयपुर में, ऑप्शन नंबर बी जोधपुर में, ऑप्शन नंबर सी अजमेर में, ऑप्शन नंबर डी बीकानेर में। तो चारों में से आपको बताना है राजस्थान साहित्य अकादमी है वो
कहाँ स्थित है? तो इसमें आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए उदयपुर में। कहाँ है? उदयपुर में है, राजस्थान साहित्य अकादमी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आपको बताना है उदयपुर में स्थित पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का कार्य क्षेत्र है। आपको बताना है उदयपुर में स्थित पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का कार्य क्षेत्र है वो कितने राज्यों का है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए दो राज्यों का, ऑप्शन नंबर बी चार राज्यों का, ऑप्शन नंबर सी छह राज्यों का, ऑप्शन नंबर डी दस राज्यों का। तो इन चार ऑप्शन में से जो सही है वो आपको बताना है। तो इसमें आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी चार राज्यों का है, यानी जो उदयपुर में स्थित है पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, ये है वो चार राज्यों का कार्य क्षेत्र, ध्यान रखना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपको बताना है हाला जालारी कुंडलिया के रचयिता हैं। हाला जालारी कुंडलिया के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर ए आशानंद बारहट, ऑप्शन नंबर बी गार्डन केशवदास, ऑप्शन नंबर सी राठौड़ पृथ्वीराज, ऑप्शन नंबर डी ईश्वरदास बारहट। तो इन चारों में से आपको बताना है कि आला जालारी कुंडलिया के रचयिता है वो कौन है। तो इसमें आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी ईश्वरदास बारहट। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है, ईश्वरदास बारहट है वो आला जालारी कुंडलिया के रचयिता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, आपको बताना है रुक्मणी हरण तथा नागदमन के रचयिता है। रुक्मणी हरण तथा नागदमन के रचयिता आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए सायाजी झूला, ऑप्शन नंबर बी माधोदास ददवाडिया, ऑप्शन नंबर सी ईश्वरदास बारहट, ऑप्शन नंबर डी आशानंद बारहट। तो इन चारों में से जो सही है वो आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही है। तो इसमें आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सायाजीरा झूला। जो रुक्मणी हरण है और नागदमन है इसके रचयिता कौन है? सायाजी झूला है, सॉरी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है रामायण की कथा डिंगल भाषा में रचित रामरासों के रचयिता हैं। रामायण की कथा डिंगल भाषा में रचित रामरासों के रचयिता कौन है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए सायाजी झूला, ऑप्शन नंबर बी ईश्वरदास बारहट, ऑप्शन नंबर सी माधोदास ददवाड़िया, ऑप्शन नंबर डी आशानंद बारहट। तो इन चारों में से आपको बताना है कि रामायण की कथा डिंगल भाषा में रचित रामरासों के रचयिता कौन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और जो इसमें आपका सही जवाब होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है इसमें, माधोदास ददवाड़िया आपका बिल्कुल सही जवाब है, यानी जो रामायण की कथा है वो डिंगल भाषा में रचित है रामरासो, तो इसके जो रचयिता है वो माधोदास ददवाड़िया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपको बताना है सूरज प्रकाश के रचयिता कौन है। सूरज प्रकाश के रचयिता आपसे पूछा है। ऑप्शन नंबर ए वीरभान रत्नु, ऑप्शन नंबर बी कर्णीदान कविया, ऑप्शन नंबर सी कृपाराम खिड़िया, ऑप्शन नंबर डी नागरीदास। तो इन चारों में से आपको बताना है सूरज प्रकाश की रचयिता कौन है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही जवाब है, कर्णीदान कविया है वो क्या है, सूरज प्रकाश के रचयिता हैं। सूरज प्रकाश की रचयिता है बात करें तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है राजियारा सोरठा के रचयिता कौन है। राजियारा सोरठा है इसके रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर ए कर्णीदान कविया, ऑप्शन नंबर बी नागरीदास, ऑप्शन नंबर सी कृपाराम खिड़िया, ऑप्शन नंबर डी बांकीदास आसिया। तो इन चारों में से सही कौन सा है वो आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी है, कृपाराम खिड़िया जी ने क्या है राजियारा सोरठा के रचयिता है यानी लेखक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपको क्या है सुमेलित करना है, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देख लें। सुमेलित करना है, एक तरफ मेवाड़ी पगड़ियां दी हुई है, एक तरफ ठिकाने दिए हुए हैं।
तो आपको बताना है कि कौन से के साथ कौन सा मेल होगा। अच्छी तरह इसको देख लें। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपके सामने दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें आपका सही होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो बिल्कुल सही है। पहले का लास्ट है चूड़ावत साई सलूम्बर, मान साई भैंसरोड़गढ़, जसवंत साई देवगढ़, हमीर साई बनेड़ा, मांडप साई कानोड़ और राठौर पगड़ी है वो बदनोर। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही जवाब होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे एक जरूर पूछा जाएगा एग्जाम में, इस तरह से आपको तैयारी करनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो आपको बताना है कि जामा या अंगरखी के ऊपर कमर पर बांधे जाने वाला आभूषण है वो क्या कहलाता है, यानी वस्त्र क्या कहलाता है वो बताना है। जामा या अंगरखी के ऊपर कमर पर बांधा जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए आत्मसूप, ऑप्शन नंबर बी पटका, ऑप्शन नंबर सी चोगा, ऑप्शन नंबर डी कुर्ती। तो इन चारों में से आपको बताना है जामा या अंगरखी के ऊपर कमर पर बांधा जाने वाला वस्त्र है वो क्या कहलाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो बी है पटका आएगा, यानी जामा या अंगरखी के ऊपर जो कमर पर बांधा जाता है वस्त्र उसको क्या बोलते हैं, पटका बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है शरीर के ऊपर भाग में कमर या घुटनों तक पहना जाने वाला वस्त्र कौन सा है। शरीर के ऊपरी भाग में कमर या घुटनों तक पहना जाने वाला वस्त्र है वो कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए अंगरखी, ऑप्शन नंबर बी पटका, ऑप्शन नंबर सी आत्मसुख, ऑप्शन नंबर डी जामा। तो इन चारों में से जो सही है वो आपको बताना है। तो इसमें आपका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा इसमें अंगरखी। शरीर के ऊपरी भाग में कमर या घुटनों तक क्या पहने जाने वाला जो वस्त्र है वो अंगरखी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो आपको बताना है तारा बात की ओढ़नी कौन ओढ़ती है। तारा बात की ओढ़नी कौन ओढ़ती है, ऑप्शन नंबर ए राजपूत महिलाएं, ऑप्शन नंबर बी आदिवासी महिलाएं, ऑप्शन नंबर सी जाट महिलाएं, ऑप्शन नंबर डी है वो बी एवं सी दोनों। तो इसमें आपका सही जवाब कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी बी एवं सी दोनों है, राजपूत महिलाएं और आदिवासी महिलाएं वो दोनों क्या है, ताराबाद की ओढ़नी है वो ओढ़ती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो आपको बताना है निम्न में से कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा गले में नहीं पहना जाता है। निम्न में से कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा गले में नहीं पहना जाता है वो आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं और इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है हंसली, ऑप्शन नंबर बी तिमणिया, ऑप्शन नंबर सी हथपान, ऑप्शन नंबर डी चंपागले। तो इन चारों में से क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हथपान। तो आपको एक काम करना है, होमवर्क के लिए काम दे रहा हूं, आपको बताना है कि हथपान है वो कौन से अंक का आभूषण है। हथपान आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि कौन से अंक का आभूषण है। बाकी असली गले का है, तिमणिया गले का और चंपागले सभी गले के हैं, और हथपान है ये बताना है कि कहाँ का आभूषण है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये तो थे हमारे आज के 30 क्वेश्चन जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से करवाए हैं। मैंने आज आपको 30 क्वेश्चन करवाए हैं, कल हमारी क्लास हुई नहीं थी, आज मॉर्निंग में क्या आपकी क्लास ये लगा दी गई है। तो अब एक दो दिन थोड़ा शेड्यूल है थोड़ा बिजी रहेगा, इस कारण क्या आपकी क्लासें थोड़ी होगी ऊपर नीचे, इसलिए क्या है। और एक बात और बता दूं, फरवरी के हो सकता है शायद पहले वीक में या फिर दूसरे वीक में आपके जो 85 नंबर का पेपर है पूरा कंप्लीट सोल्व करवाया जाएगा। आपको पूरा कंप्लीट पेपर है वो सोल्व करवाया जाएगा फरवरी के सेकंड वीक से। इसलिए क्या है, आपकी तैयारी वो मैंने बेसिक चीज़ें आपको करवा दी हैं बहुत डीपली तरीके से। अब आपका टेस्ट शुरू हो जाएगा, आगे टेस्ट में मज़ा आने वाला है। आपका 85 नंबर का क्वेश्चन होगा, टाइम आपको बहुत कम दिया जाएगा क्योंकि लगभग एक घंटे में मैं आपको 85 क्वेश्चन है वो सोल्व करवाया करूँगा। शायद एक घंटा भी नहीं लगने दूँ क्या पता, लेकिन जितना हो सके जल्दी ही करवाने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए कि आप रेडी हो जाओ, फरवरी के सेकंड वीक में आपको पूरा टेस्ट मिलेगा 85 नंबर का। आप उसको क्या रोजाना ज्वाइन करना, और जब तक आपकी क्लास रेगुलर रहेगी तब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता। इसलिए क्या, अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से करें और साथ में बताया करो कमेंट करके कि आपके कितने नंबर आते हैं और कितने सही कितने गलत होते हैं।
और जो अगर कोई क्वेरी हो, कोई समस्या हो, तो वो भी क्या बताया करो। मैंने बहुत से स्टूडेंट के नंबर देखे हैं, आपके नंबर है वो बहुत अच्छे आ रहे हैं, बहुत अच्छे नंबर आते हैं। इसका मतलब है कि आपकी जॉब है पक्की अब की बार। तो इन 3678 पोस्ट में अपनी एक एक पोस्ट लेस करके छोड़ दो, ताकि उनको कोई ला भी ना सके। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। इसके बाद आपकी हिंदी क्लास होगी, वही आपका 10 से 11 या फिर 11 12 बजे के आसपास आपको ये क्लास आपकी मिल जाएगी। थोड़ा बिजी शेड्यूल है, इसलिए क्या थोड़ा आपका हो सकता है एक दो क्लासें आपकी ऊपर नीचे हो, लेकिन क्लासें आपकी पूरी करवाई जाएगी, डोंट वरी। तो आज की क्लास में बस इतना ही काफ़ी। तब तक अच्छी तरह से पढ़ते रहिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, और जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।